मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार के पहले बजट को पक्ष ने ऐतिहासिक और बेहतरीन बजट बताया है, तो विपक्ष ने बजट की राशि को लेकर सवाल खड़े करते हुए इसे खोखला और महज आंकड़ों का खेल बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बजट को आधारहीन, खोखला और तथ्यहीन बताते हुए सवाल खड़ा किया है कि राजस्व आएगा कहां से। उन्होंने किसान कर्ज माफी के लिए महज 8000 करोड़ के प्रावधान पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह एक खोखला बजट है। इस बजट में कहीं से भी ये बात नहीं दिखाई गई है कि इनकी राजस्व प्राप्तियां कहां से होंगी। इन्होंने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला है। राजस्व कैसे बढ़ेगा और जो इतना बड़ा आकार है, लगभग 2,14,000 करोड़ रुपए का, इस राज्य की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, इस बजट की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। दिक्कत यह है कि किसानों के लिए अभी भी खाद बीज नहीं मिल रहा है और ये कहा जा रहा है बजट भाषण में कि सहकारी संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं मान के चलता हूँ कि एक रुपया भी सहकारी संस्थाओं के लिए नहीं मिला है। यदि मिला होता तो खाद बीज की व्यवस्था उनकी हो जाती। प्रदेश सरकार के वाणिज्यिक कर मंत्री ने विपक्ष का काम महज चिल्लाना निरूपित करते हुए कहा कि नीति आयोग ने भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। इसके बावजूद वित्त मंत्री तरुण भनोट ने लाजवाब बजट पेश कर सबको राहत देने का काम किया है। विपक्ष की आवाज हम लोगों से नहीं, विपक्ष की आवाज दब जाती है नीति आयोग की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 15 वर्षों में जिनकी सरकार रही उसमें मध्य प्रदेश विकसित राज्य तो नहीं हुआ, लेकिन टोटल 29 राज्यों में तीसरे स्थान के ऊपर मध्य प्रदेश का 27वें नंबर पर मध्य प्रदेश की स्थिति बनी है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने 2,00,000 करोड़ के कर्जे पर कांग्रेस की इस नई सरकार को छोड़ा हो, उसके बावजूद भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हर फील्ड के ऊपर, चाहे वो खिलाड़ियों का मैदान हो, चाहे माताओं बहनों की चिंता हो, चाहे नौजवानों की रोजगार की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, अल्पसंख्यक कल्याण की बात हो, हर वर्ग को छूने का काम इस बजट में, इसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। एक रुपया भी टैक्स न बढ़ाते हुए जहां विकास के रास्ते पे हमें ले जाना है, वहीं पेयजल में उसके अधिकार देने की बात हमने कही है। तो ये सब ऐतिहासिक निर्णय है जो मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाने में भूमिका अदा करेगा। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बजट को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि ओवरड्राफ्ट के बावजूद हर वर्ग को मदद की जरूरतें पूरे करने का काम कमलनाथ सरकार ही करा सकती है। वहीं पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने पर सरकार को धन्यवाद दिया। हर एक वर्ग को इसमें सहायता की गई है, मदद की गई है, किसान से लेके एक वृद्ध महिला से लेके एक गरीब आदमी, झुग्गी वाले के पट्टे से लेके बिजली की रियायत, किसान से लेके एक गरीब रहवासी को सब कुछ सुविधा दी गई। और उस परिस्थितियों में जब 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा का ओवरड्राफ्ट था, उन परिस्थितियों में ये बजट बनाए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बगैर किसी टैक्स के इस बजट में एक भी आइटम टैक्स वाला नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसा कोई बजट नहीं आया होगा कि टैक्स लगे ही नहीं। सर, प्रदेश की जनता के हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाले लोग हों, सभी वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ख़ासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह से हमारा मध्य प्रदेश तीसरे पैदान पर है नीचे से, उसको विशेष कर ध्यान में रख के शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान किया है, किसानों के लिए खाद बीज से लेके और आपका कर्ज माफी का जो हमारा वादा था, वचन पत्र में था, वो पूरा करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। हम समझते हैं कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को पिछली सरकार ने 1,78,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाद के गई थी, उस स्थिति में भी जिस तरह से बजट का प्रावधान किया गया है वो स्वागत योग्य है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। प्रदेश के पूर्व
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि किसानों के लिए बेहद कम बजट का प्रावधान और बजट से पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने किसानों और आम जन दोनों से धोखा किया है। जनता के सामने आप जाइए, इस बजट को देखने के बाद राज्य की जनता महसूस करेगी कि कमलनाथ की सरकार से जल्दी मुक्ति मिले, जिसने वचन पत्र जारी किया और वचन को का 1% भी नहीं निभाया। 56,000 करोड़ का कर्जा कॉपरेटिव सेक्टर का इनको देना है, इन्होंने पहली बार 5,000 करोड़ का प्रावधान किया, उसमें से 5,000 करोड़ भी अदा नहीं किया, इन्होंने अब 7,000 का प्रावधान किया है, तो बाकी 5, 7, 12 को भी मान लूँ तो 56,000 करोड़ से शेष बची राशि कहाँ से लगेंगे बताएं। अकेले कृषि के क्षेत्र में इन्होंने राज्य की जनता से और किसान से धोखाधड़ी किया है। मैं जिस फ्लैगशिप योजनाओं की इन्होंने बात की, किसान के कर्जे को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, युवाओं के रोजगार को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जनोपयोगी और कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, और जिस प्रकार से बजट के 3 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों को में टैक्स बढ़ाया गया, ये मध्य प्रदेश की जनता के जेब पर डाका डालने जैसा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम टैक्स नहीं लगा रहे और 3 दिन पहले असंवैधानिक रूप से टैक्स को बढ़ाया, ये निश्चित रूप से पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के विकास को के साथ छलावा किया गया है और पुनः मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ले जाने वाला ये बजट सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।